बागेश्वर मुख्यालय से लगा हुआ मोहन नगर व मालता क्षेत्र फल और सब्जियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में हर रोज हजारों की सब्जियां बेचने ग्रामीण बाजार आते हैं। पिछले कुछ समय से नजदीकी खड़िया की खदानों से निकलने वाला गंदा मिट्टी युक्त पानी उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खड़िया खान से निकला पानी उनके जल स्रोतों को भी दूषित कर रहा है। गंदा पानी पीने से उनके बच्चे जानवर बीमार हो रहे हैं। वहीं किसानों ने कहा कि बैंकों से कृषि लोन लेकर हम लोग काश्तकारी करते हैं, ये लोग हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दिनों उनके खेतों में प्याज, टमाटर, मटर की सब्जियां उगाई जा रही हैं। हरी सब्जी बाजार के लिए तैयार है। ऐसे में खड़िया खान से निकला सफेद मिट्टी वाला कीचड़ उनकी सब्जियों, गेहूं, सरसों आदि को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने खनन अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। खान अधिकारी रवि बिष्ट ने बताया कि जल्द गांव में एक टीम भेजी जाएगी। पूरी जांच के बाद दोषी पाए जाने पर खान मालिक पर कार्यवाही की जाएगी। हमारा पूरा दफौड़ क्षेत्र जो इस एरिया के अंतर्गत आता है उसमें एक नदी बहती है, कौशल्या नदी। जो मूल स्रोत है वहाँ पे कुछ खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है और अवैध तरीके से वो पानी और मिट्टी हमारी कौशल्या नदी में डाला जा रहा है, जिससे कम से कम 1000 लोगों का रोजगार प्रभावित आ रहा है। वो पानी नदी से बहकर हमारे खेतों में पहुँचता है, हमारे पीने के स्रोत हैं, हमारे घरों में पहुँचता है वो पानी। तो कुल मिलाकर जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं तो वो लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। पूरी नदी में मिट्टी बहकर आ रही है, हमारे पीने के, हमारे जानवरों को इसका बीमारी का खतरा हो गया है, हमारे बच्चों को इस बीमारी का खतरा हो गया है, हमारे खेत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। अगर खेतों में हम पानी को डालते हैं पूरी सफेद परत हमारे खेतों में जम जा रही है। यदि अगर इसमें कार्रवाई तुरंत उचित कार्रवाई अगर तुरंत इन खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं की जाती है तो उसमें जो भी उग्र आंदोलन हम करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी साथ। ये खड़िया का जो गंदा पानी आ रहा है इसमें हमें साग सब्जी और प्याज के बीच में हमें नुकसान हो रहा है। हमने जो कृषि ऋण ले रखा है, हमने भी अभी उद्यम कर रहे हैं, एक साग सब्जी लगा रहे हैं, उसी से हम अपना आजीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम ये माफिया वालों को छोड़ेंगे नहीं, हम मशीन के आगे खड़े हो जाएंगे और ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। हम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। हम खेतों में जो हमारे प्याज का बीज है, पालक है, सब्जी है, लाई है, गेहूँ है, उसमें नुकसान हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये मांग ये जल्दी से जल्दी इसमें हमको सूचीचन मिले, ये बंद हो जाए। नदी आ रही है, उस नदी में हमारे सिंचाई गूल है जो जिसका पानी हमारे खेतों तक पहुँच रहा है। जैसे कि आप भी अवगत है कि सिंचाई का अभी टाइम हो रहा है, अगर अभी हमें को नदी में पानी, सिंचाई का पानी सही नहीं मिल पाएगा तो हमारे खेतों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हम रुक भी नहीं सकते हैं। अगर रुक जाएंगे तो हमारे खेत वैसे ही बंजर हो जाएंगे, क्योंकि सिंचाई का टाइम अभी हो रहा है और उसमें जो आने जाने में के लिए महिलाओं को जो सर में सामान लेके जाना पड़ता है, उसमें जो खड़िया की चिकनाई है उसकी वजह से जो रास्ता है वो ख़राब हो गया है। हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हमारा अगला कदम है कि हम कलेक्ट्रेट में आके अपने पूरे इलाके को एक जनसमूह इकट्ठा करके हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। दफौड़ क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो खनन की वजह से जो नदी है कौशल्या नदी है उसका पानी काफ़ी मटमैला हो गया है, खराब हो गया है, जिससे उनके पीने के पानी में भी वो चीज़ें मिल करके आ रही हैं और उनको असुविधा हो रही है। और जो वहाँ चूँकि सब्जी की खेती अच्छी होती है तो उनका कहना है कि जो हमारे सब्जी की खेती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो इसमें मेरे द्वारा खान अधिकारी और SDM को तत्काल रूप से मौके पर जाकर जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट मिलते ही जैसा भी होगा हम उसमें यदि गलती पाई जाती है पट्टा धारक की तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।